नेक्स्ट वाले एपिसोड में प्रिंस और गौतम का बहुत बड़ा झगड़ा देखने के लिए फिर से मिलने वाला है। होगा क्या ना कि जो रिया है वो ये टॉपिक उठाएंगी कि प्रिंस ने उनके और गौतम के अगेंस्ट में कोई स्टोरी डाली है, जिसके बाद प्रिंस ये बोलेंगे कि उनका राइट है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट चाहे कुछ भी कर सकते हैं। रिया इसके एक्सप्लेनेशन में बोलेंगे कि कोई भी डिसरिस्पेक्ट होना नहीं चाहता एंड स्पेशली मैं। इस बात के बाद क्या होगा ना कि गौतम और प्रिंस दोनों के बीच में फिर से बड़ा झगड़ा हो जाएगा। इस वाले सीजन में ना गैंग लीडर्स के बीच में कुछ ज्यादा ही झगड़े देखने को मिल रहे हैं। पहले भी होते थे पर इतने ज्यादा सीरियस वाले नहीं होते थे। अभी क्या है ना कि सब लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करने पर आ गए हैं। गौतम ये बोलते हुए देखेंगे कि अगर शेर शांत बैठा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते रास करेंगे, जिसके बाद प्रिंस को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। हालांकि फाइट के बीच में गौतम हंसते हुए भी दिख रहे हैं, विच मीन्स बाद में उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि ज्यादा फाइट करना सही नहीं है एंड ही विल ट्राई टू काम डाउन हिमसेल्फ। इस झगड़े के बाद ना हमें एक टास्क भी देखने के लिए मिलेगा। इस टास्क में क्या होगा ना कि जो लोग परफॉर्म करेंगे ना उन्हें सिर्फ रोडियम्स और इम्यूनिटीज ही नहीं बल्कि अगर वो नहीं जीतते हैं ना तो एलिमिनेशन का भी खतरा हो जाएगा। इस टास्क में जो गैंग लीडर्स है ना वो भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स गैंग लीडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हालांकि अभी सिर्फ प्रिंस को ही परफॉर्म करते हुए देखा है बट मे बी प्रिंस और गौतम दोनों परफॉर्म करेंगे। रिया के परफॉर्म करने के इतने चांसेस अभी नहीं है। प्रिंस को ना ये टास्क के टाइम पर लग भी सकती है। ये टास्क अगेन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि जो गैंग मेंबर्स है ना वो हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। जो सचिन है ना वो बेहोश भी हो जाएंगे टास्क परफॉर्म करते टाइम। बाकी अभी विनर वगैरह का तो कोई अपडेट नहीं मिला है पर जैसे ही हमें पता चलेगा ना तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर